देवास में समीर रॉय हत्याकांड के मामले में मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव किया, जहां समीर रॉय की पत्नी और उनके परिजन सिविल लाइन थाने पहुंचे। इस दौरान मृतक की पत्नी निकिता रॉय ने हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस पर सही रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव की बात भी कही है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उनके सामने पति को गोली मारी गई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि हमलावरों ने कहा कि चिंटू भैया का सपना पूरा हो गया है। भाजपा नेता राजेश यादव ने कहा कि समीर रॉय की हत्या की गई है, इस मामले में निष्पक्ष जांच कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कल समीर रॉय की गोली मारकर हत्या की गई है, उस विषय पर जो एफआईआर लॉन्च की गई है, उस विषय में चर्चा करने आए थे। निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो लोग भी हत्याकांड के दोषी हैं उन पर पुलिस की कार्रवाई हो, इस विषय को लेकर टीआई साहब क्या मानते हैं आप? एफआईआर में क्या तथ्य थे अभी? और यहाँ पे जो है हंगामा भी हुआ, परिजन नाखुश थे, उस विषय में चर्चा हुई है, परिजनों के बयान हो रहा है। इस प्रकार से चूंकि रात को एक बयान के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की थी, अब परिजनों के बयान होंगे उसमें। पुलिस में कुछ हंगामा हुआ, आप संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है इस कार्रवाई से? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो हम लोग का बिल्कुल सुन नहीं रहे। कुछ भी सब चीजें इन लोगों ने खुद ने बनाई हुआ लिखा हुआ है, हम जो बोल रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं। मैंने सब चीजें सामने देखी, मैं कल से इन लोगों को बोल रही हूँ लेकिन ये कुछ नहीं सुन रहे हैं। कल जो समीर राय की हत्या हुई थी उसके परिजन आज थाने पर उपस्थित आए थे, उनका ये कहना है कि सर आरोपियों की जो है शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, इसी बात को लेकर ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिनको समझाया गया और आश्वस्त किया गया है कि पुलिस की जो भी कार्रवाई है एकदम निष्पक्ष और वैधानिक है।